कैड के अंदर पेज सेटअप प्रिंट के लिए वो कैसे करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं इस ट्यूटोरियल को। तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि मैंने पहले से क्रिएट किया हुआ है। आप इसके लिए मुझे प्रिंट निकालना है तो मैं इसका पेज सेटअप कैसे करूँगा। उसके लिए आप पेज सेटअप की कमांड है, आप सिंपली पेज टाइप करेंगे तो आपको पेज सेटअप की कमांड सामने आ जाएगी। देखिए मैंने पेज टाइप किया और नीचे देखें पेज प्लस वो ऑटोमेटिक ने सेटअप का ऑप्शन ले लिया, तो मैं इसको एंटर करता हूँ तो ये मेरे पास एक पेज सेटअप मैनेजर का बॉक्स खुलेगा। तो उससे इसमें मैं अगर न्यू मॉडल अगर क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं न्यू पर क्लिक करूँगा, उसको कोई सा भी नाम दे के मैं इस पेज को टाइप भी कर सकता हूँ। नीचे मॉडिफाई जो न्यू का बटन है उससे, तो ये देखिए ये पेज सेटअप है, क्या उसने लिखा न्यू पेज सेटअप नेम, तो उसमें मैं कुछ भी नेम दे सकता हूँ। तो मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है तो उसको मैं मॉडिफाई कर लेता हूँ। मॉडिफाई पर मैं क्लिक करूँगा और ये मेरे पास आ जाएगा सब कुछ। तो इसमें देखें, इसमें जो तो पहली ऑप्शन होती है वो नेम की है जिसमें प्रिंटर या प्लॉटर के होता है। तो प्रिंटर तो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो मैं उसको एज अ PDF कन्वर्ट करूँगा। तो अगर PDF से फिर आप प्लॉटर जैसे भी आपको प्रिंटर में कहीं पर भी जाके आप लैब में जाके आप इसको प्रिंट निकलवा सकते हैं। तो मैं इसमें ड्राइंग टू PDF की ऑप्शन को चूज़ करता हूँ क्योंकि मैं PDF में इसको कन्वर्ट करूँगा। नीचे है पेपर साइज, पेपर साइज में क्या है आपका जो पेपर वो कौन सा अवेलेबल है, A3 का है, A1 का है, A0 का है या A4 का है, और कुछ डिपेंड करता है आपकी ड्राइंग पे कि आपकी ड्राइंग के लिए कौन सा पेज सेटअप आपको चाहिए, उसके लिए पेपर कौन सा चाहिए। तो मेरे पास एक मॉडल है छोटा सा, तो ये तो A4 साइज में भी आ जाएगा। तो लेकिन मैं यहाँ पे ये देखें ISO A4 को चूज़ कर लेता हूँ। लेकिन अगर आपने अगर प्रिंटर को सिलेक्ट किया होगा, अगर आपको कोई प्रिंटर इसमें अटैच है, इंस्टॉल है कोई प्रिंटर इसके अंदर, तो उस प्रिंटर के जो ऑप्शंस आएंगे इसके अंदर उस प्रिंटर का नाम लिखा होगा, उसमें साथ में उस पेपर का साइज लिखा होगा। तो अगर आप उसको चूज़ करें, उसको आपने चूज़ करना है डायरेक्ट प्रिंट करने के लिए। लेकिन मेरे केस में मुझे सिर्फ PDF निकालना है, तो मैं इसमें कुछ भी चूज़ कर सकता हूँ A4 का। तो ISO फुल ब्लेड मैंने A4 को चूज़ कर लिया। ये देखें मुझे उसकी हाइट और उसकी लेंथ उसने बता दी, इसे यहाँ पर शो कर रहा है वो, देखें 210 mm है और ये मिलीमीटर में ले रहा है, 297 mm इसकी हाइट है। तो डिस्प्ले में जाना है अपने, डिस्प्ले में इसमें नेक्स्ट ऑप्शन डिस्प्ले की है, इसको करेंगे। तो अगर आप इसको डिस्प्ले में करते हैं तो जो आपका जो अभी व्यू आपको नज़र आ रहा है बैक साइड पे कैड का जो स्क्रीन है, तो वही आपको इसमें मिलेगा। लेकिन अगर आप इसको डिस्प्ले में जाके विंडो पे क्लिक करते हैं तो वो आपसे पूछेगा आपने कितना एरिया इसके अंदर कवर करना है। तो मेरे पास सिर्फ ये एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट है जिसको मैं इस तरह कवर कर लेता हूँ, तो वो मुझे सिर्फ इतना मेरा एरिया वहाँ पे शो करवाएगा। अगर आपने विंडो में से अगर कुछ एरिया कवर नहीं हुआ तो आपने इस ऑप्शन विंडो पे दोबारा क्लिक करना है और आपको ये ऑप्शन दोबारा से मिल जाएगी। इसमें आप फिर आपको चूज़ करके सेलेक्ट करके वो एरिया आप इसको दोबारा से कर सकते हैं। तो नीचे है प्रीव्यू का बटन, उससे पहले ये देखें फिट टू पेपर है, फिट टू पेपर करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जितना भी आपका एरिया होगा उसको पेपर के पेपर में फिट कर देगा। अगर आप नहीं करेंगे तो साइड पे कहीं पे भी चला जा सकता है, तो उसको हमेशा आप फिट टू पेपर करें। सेंटर द प्लॉट, सेंटर द प्लॉट का मतलब है कि जो देखें वो ऊपर से आपको देखो प्रीव्यू दिखा रहा है, वो पेपर के बिल्कुल सेंटर में जो होगा आपका जो एरिया है जो आपने चूज़ किया है प्रिंट करने के लिए, उसको पेपर के सेंटर में कर देगा। तो प्रीव्यू में जाकर देखते हैं कैसा ये हमारा सेलेक्ट हुआ। तो ये देखें ये इस तरह से प्रिंट होकर आएगा। अभी ये देखें ये लैंडस्केप में दिखा रहा है, लैंडस्केप क्योंकि मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर लैंडस्केप के ऑप्शन को चूज़ किया हुआ है। अगर मैं पोर्ट्रेट को करता हूँ तो मुझे पोर्ट्रेट में शो करेगा वो। तो मैं इसका प्रीव्यू चेक करता हूँ, तो ये देखें तो ये देखें ये पोर्ट्रेट व्यू है आपको सिंपल नज़र आ रहा होगा। देखो पहले कैसा व्यू नज़र आ रहा था, वो उसकी चौड़ाई ज़्यादा थी, अब इसकी लंबाई ज़्यादा। तो ये पोर्ट्रेट में ये इस तरह से मुझे व्यू नज़र आएगा, तो मैं इसको पोर्ट्रेट जाने देता हूँ।
बाकी जो ऑप्शंस हैं वो हमारे किसी काम की नहीं है फिलहाल इस प्रोजेक्ट के लिए। तो सिंपल आप इसको ओके करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप शुरू होगा। ओके करता हूँ तो ये देखें मेरा पे सेट इसका कंप्लीट हो चुका है। मैं मॉडिफाई पर दोबारा क्लिक करता हूँ, दोबारा से इसको रिव्यू करता हूँ तो ये देखें मेरे को सेम वही सेटिंग है जो मैंने की हुई है, और उसको ओके करता हूँ और डन इसको मैंने क्लोज कर देना। अब इसका अगर प्रिंट निकालना है तो मुझे प्रिंट निकाला या इसको PDF में कन्वर्ट करना है तो मैं कंट्रोल P की ऑप्शन को चूज करूँगा। देखें ये सेटिंग मेरी वही है जो मैंने पहले वहाँ में पीछे पैसा तक के अंदर में रखी हुई थी, तो वही सेटिंग क्या है कि उसमें मैंने PDF को भी चूज़ कर लिया था, सब कुछ था इसमें, पेपर का साइज और फिर टू पेपर प्लाटर वगैरह सब कुछ मैंने चूज़ किया हुआ था। प्लाटर की जगह मैंने PDF रखा हुआ, देखें मुझे नीचे PDF की ऑप्शन को शो कर रहा है। अब इसको मैं जहाँ पर सेव करवाऊँगा वो डेस्कटॉप में या सेव करवा देता हूँ। मैंने सेव किया, ये देखिए मेरा जो PDF है वो सेव हो चुका है और नीचे मुझे ऑप्शन नो एरर्स और वन इज फाउंड वो कह रहा है कि आपकी जॉब कंप्लीट हो चुकी है, मतलब कि आपका PDF आपका रेडी है, तो आप इसको आप यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट प्रिंट करने के लिए। वीडियो पसंद आई होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें।